है कि बहुत सारे जो सांसद है यहाँ पर आए, उन्होंने हमें समर्थन दिया, सपोर्ट किया, अलग अलग पार्टी के अलग अलग सांसद आए, तो जब ये हमारा सपोर्ट इतना बड़ा देख के शायद सरकार प्रशासन इनको लगा ये आंदोलन तो देशव्यापी हो रहा है, और यही कारण है कि उन्होंने हमें हर जगह से रोकना शुरू किया। आपको जानते होंगे यहाँ पे एक दिन बैठने नहीं दिया, यहाँ से हका ले गए, फिर लोग यहाँ से चल के 4 किलोमीटर चल के इंडिया गेट गए, 4 किलोमीटर चल के इंडिया गेट गए, और वहां पे जाने के बाद वहां पे जो सभा हुई उसको भी उन्होंने हकाल दिया, लोगों को टी शर्ट निकालने के लिए कहा। अभी टी शर्ट में क्या है, ये तो एक यूनिफॉर्म है, उसमें ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत लिखा है, उसमें लिखा है सर्वेषां मंगलम, तो एक प्रकार का इंसल्ट करने की कोशिश की। बुजुर्गों के अपना पेंशन का हक लेके नहीं रहेंगे तब तक हम हारेंगे, हार शुक्र गुजार हूँ मीडिया का, सोशल मीडिया का स्पेशली, कि ये आंदोलन देशव्यापी हो चुका है। आप देखिए 75 लाख पेंशनर्स हैं और 7.5 करोड़ लोग हुआ है जो इस क्षेत्र में आज की तारीख में अंशदान कर रहे हैं टूवर्ड्स पेंशन, तो ये लोगों की संख्या इतनी है कि हर तीसरे घर में आपको ईपीएस का आदमी मिलेगा, तो ये एक घर में एक आदमी मतलब वो पूरा घर इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये तो देशव्यापी आंदोलन आई। इसमें कोई डर बता दूं, आप इन सभी वृद्ध लोगों के साथ मैं रहा हूं, मैं भी एक ज्येष्ठ नागरिक ही हूं, तो आप देखेंगे इन्होंने दुनिया के वो अनुभव लिए हैं, अपनों की चोटें तो बहुत खाई है, घर में भी बाहर भी समाज भी, तो अपनों ने चोट देना या अपनों ने धोखा देना ये इनके लिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लहजा मजबूत हो गया है, और अभी हम बल्कि ये रिजॉल्व करके उठे हैं कि जिंदगी हमारी एक बार है, ये कि दोबारा मिलने वाली चीज नहीं है, तो हम क्यों ना लड़े और अपनी इज्जत अपना स्वाभिमान अपना चुनाव नजदीक है इसलिए आंदोलन हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन 10 साल पूर्व बीजेपी ने यह आश्वासन दिया था कि हम आपका काम 3 महीने में करेंगे, 10 साल हो गए काम नहीं हुआ है,